Hey beauties, welcome to my channel. This side Veronica. So today is a lazy Sunday. I just woke up और मैं जस्ट अभी उठी और मैंने सोचा आज क्यों ना हम पोटैटो ब्लीच करें. पोटैटो ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद है आपकी स्किन को. इट्स अ नेचुरल ब्लीचिंग एक्चुअली. ये आपकी स्किन को बहुत क्लियर करता है, ब्राइट करता है, डार्क स्पॉट्स हटाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है. सो ये ब्लीचिंग मैंने अभी कुछ टाइम से स्टार्ट करा है और इसका जो इफेक्ट है मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है. शाइन आ गई है, ग्लो आ गया है मेरे फेस पर और इसने मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी बना दिया. सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कैसे करना है, कब कब करना है और इसके इफेक्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं. सो ब्यूटीज, विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ब्यूटी, सबसे पहले आपको एक पोटैटो लेना है, आलू, और इसको अब हम हाफ में कट करने वाले हैं. मैंने यहाँ पर ले लिया है नाइफ और मैं इसको अब हाफ में कट करने वाली हूँ. ये मैंने एक आलू को हाफ में कट कर दिया है तो हमें बस एक हाफ पार्ट लेना है और इसको मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ और इसको मैं कल या फिर परसों यूज़ करूँगी. उसके बाद मैंने एक फोक लिया है और मैं इसको ऐसे स्क्रैच करने वाली हूँ लाइक दिस, ताकि इसका जो भी जूस है वो सारा का सारा बाहर आ जाए ऐसे करके. थोड़े से होल्स करने हैं इसमें और उसके बाद आप देख सकते हैं और इसमें से पूरा का पूरा जो रॉ पोटैटो जूस है वो बाहर आ गया है. आप इसको ग्रेट करके, इसको घिस करके उसके बाद भी जूस निकाल सकते हैं, बट ये मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और ये इजी भी है. इसके बाद आपको लेना है हनी. ये मैंने डाबर का हनी लिया है, शहद, और मैं इसमें थोड़ा सा हनी लेके इस हनी को मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ ऐसे. So, अब हम इस पोटैटो को लेंगे और हम इसको रब करेंगे अपने फेस पे. ब्यूटीज, जो पोटैटो होता है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है. इसी आपकी जितना भी टैन है, पिगमेंटेशंस है, डार्क स्पॉट्स है, पैचेस है फेस में, वो सब हटा देता है, स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को वाइट करता है और बहुत ही ज़्यादा शाइनी और स्पॉटलेस बनाता है. सो पोटैटो इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग इफ़ यू आर सर्चिंग समथिंग एज अ नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट. ये ब्यूटीज बहुत ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है. जस्ट आपको पोटैटो, हाफ पोटैटो लगाना है. वीक में आपको ये 3 बार करना है और एक पोटैटो को आप सिर्फ 2 दिन तक रख सकते हो या मैक्सिमम 3 डेज, वरना हर टाइम अगर आप न्यू पोटैटो यूज करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको. सो जस्ट पोटैटो लो और उसको कट करके हाफ में थोड़ा सा स्क्रैच करके हनी लगा के अपने फेस में इसको मसाज करो अच्छे से. ये आपको 2 to 3 मिनट्स तक करना है और वीक में 3 बार. मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे या फिर फ्राइडे या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ वीक में जितनी बार इसको लगा सकूँ उतना अच्छा है. और इस तरह पोटैटो को लगाने के बाद हमें इसे 20 से 25 मिनट्स या हाफ एन आवर तक ऐसे ही छोड़ देना है फेस पे. उसके बाद इसको वॉश करना है सिंपल नॉर्मल वाटर से. सो ब्यूटीज, आफ्टर वॉशिंग माय फेस मैंने जस्ट पानी से अपना मुंह धोया है और मैंने उस पोटैटो, रॉ पोटैटो जूस को हाफ एन आवर अपने फेस पर रखा और इतना सुंदर ग्लो इसने मेरे फेस पर दे दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा. सो ब्यूटीज़, कुछ भी नहीं करना है, ये इतनी अफोर्डेबल रेमेडी है, ये इतनी ईजी है फेस पे लगाने से और उससे भी ज़्यादा ये बहुत इफेक्टिव है. जस्ट गो एंड ट्राई दिस, इसको ट्राई कीजिए फेस में वीक में 3 बार और सिर्फ एक यूज़ के बाद आपको फ़र्क दिख जाएगा. आपकी जो पोर्स है वो टाइट हो जाएंगे, स्किन बहुत ग्लोई हो जाएगी और ब्राइट भी हो जाएगी. सो जस्ट गो एंड ट्राई दिस होम रेमेडी एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि ये कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस इसको यूज़ करने के बाद कैसा रहा. इसको ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में या फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी. सो ब्यूटीज, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय एंड टेक केयर.